आदमी का वीडियो मैंने देखा था जो रोते हुए कह रहा था कि मेरी रोजी रोटी है तो इसी के ऊपर, जो 25 साल से यहाँ पे छोटा सा गैरेज चला रहा था और उसी की आंखों के सामने उसकी वो रोजी रोटी का जरिया बुलडोजर के जरिए के मीरा रोड के अंदर एक मैटर हुआ और वहाँ पर सिर्फ गुंडा राज कैसा होता है किसी राज्य के अंदर, पुलिस का इस्तेमाल, प्रशासन का इस्तेमाल, सरकार का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर और गरीब लोगों के जो दुकानें तोड़ी गई, जो 20-30 साल से वहाँ पर छोटा छोटा कारोबार कर रहे थे, एक बुजुर्ग आवाज़ उठाने के लिए तक तैयार नहीं थे मीरा रोड की घटना के ऊपर। भाजप के छोटे मोटे चिल्लर नेता आके वहाँ पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, मेरे मन में देखिए बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील मुंबई से क्यों लड़ना चाहते हैं करके। मैं आज आपको उसकी वजह बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मुंबई के मीरा रोड के अंदर एक मैटर हुआ और वहां पर सिर्फ गुंडा राज कैसा होता है किसी राज्य के अंदर, पुलिस का इस्तेमाल, प्रशासन का इस्तेमाल, सरकार का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर और गरीब लोगों के जो दुकानें तोड़ी गई, जो 20-30 साल से वहाँ पर छोटा छोटा कारोबार कर रहे थे, एक बुजुर्ग आदमी का वीडियो मैंने देखा था जो रोते हुए कह रहा था कि मेरी रोजी रोटी है तो इसी के ऊपर थी और मैं 30 साल से यहाँ पे एक छोटा सा गैरेज चला रहा था और उसी की आंखों के सामने उसकी वो रोजी रोटी का जरिया है तो बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया। तो मेरे मन में एक सवाल आया था कि इतनी बेबसी क्यों है, क्या वजह है कि मुंबई जैसे इतने बड़े शहर के अंदर लोग आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो नेता जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो अजीत दादा की एनसीपी के साथ जुड़े हुए हैं, जो शिवसेना के अंदर भी गए हुए हैं, वो नेताओं की बेबसी क्या थी कि वो लोग आवाज उठाने के लिए तक तैयार नहीं थे मीरा रोड की उस घटना के ऊपर। भाजप के छोटे मोटे चिल्लर नेता आके वहां पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मेरे मन में ये सवाल आया था कि आखिर वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपकी कौम अगर रहती है, इतने सारे लोग वहाँ पर हक, इंसाफ, सच्चाई और लड़ाई की बात करते हैं, तो वो खामोश क्यों थे करके उसमें तब समझ में आया है कि जो मुसलमान MLA थे वो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको नाराज नहीं कर सकते हैं, जो अजीत दादा के साथ जुड़े हुए हैं वो एकनाथ शिंदे और भाजप के साथ लगे हुए हैं तो वो उनको नाराज नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर ये था कि खामोश बैठो करके। और वहां पर वो बेबसी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बम्बई में जाना चाहिए और बम्बई के अंदर इन जितने भी मजलूम है, जितने भी परेशान लोग हैं, उनके लिए एक ताकत बनकर खड़े रहना है करके। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फैसला लिया है, मैंने असद साहब को ये प्रस्ताव दिया हूँ कि साहब क्यों नहीं हम वहाँ पे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं उसमें, क्योंकि जब हम औरंगाबाद में खड़े हुए थे तो औरंगाबाद में भी 2019 के अंदर कई सारे दिग्गज लोग थे, अरे कहाँ से आता, जीतता क्या, नहीं जीतता, कौन देता वोट, ऐसा यही भाषा करते थे उसके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आए थे। आगे भी अगर हमारे किस्मत में रहेगा तो बिल्कुल वहाँ से भी किस्मत आजमाई जा सकती है। सर MIM महाराष्ट्र में कितने जगह पे लोकसभा के इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए अब जो माहौल महाराष्ट्र के अंदर बनता जा रहा है उसे देखते हुए आप ये समझ लीजिएगा कि इलेक्शन का आए आए तक कितने नेता कहां कहां पे उड़िया मारने वाले हैं, कहां कहां पर कूदने वाले हैं, ये आप हर रोज देख रहे हैं उसमें। तो अब कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हमारी नजरों के सामने आ रही है कि जहां पर हमको ऐसा लगता है कि अरे ये तो समीकरण पूरा बदल गया है, हम वहां पर जा सकते हैं करके। तो ऐसी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर मेहनत चालू है, सर्वे चालू है, इंशाल्लाह लड़ेंगे। मुंबई का कौन सा मतदार सर? देखिए अभी मैंने कल के दिन मुंबई की पूरी टीम आई थी, उनके साथ चर्चा किए, अब उनके अंदर ये आपस में खिचमदानी चल रही है कि नहीं साहब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना, कोई कहता कि नहीं साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए करके उसमें। तो एक लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट है, उनको भी मालूम है कि अगर वहां पर कोई मजलूमों की जो परेशान हाल है, जिनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके लिए अगर कोई आवाज उठा सकता है तो वो सिर्फ MIM उठा सकती है। इस वजह से उनके अंदर भी एक नया जोश उमंग पैदा हुआ है, लेकिन ये सब इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या फैसला लेते हैं। अगर वो कहेंगे कि नहीं इम्तियाज औरंगाबाद से नहीं, तुमको नांदेड़ से लड़ना है, तुमको धुलिया से लड़ना है, मालेगांव से लड़ने का है, तो हम आ जाएंगे उसके। अगर उन्होंने कहा कि नहीं औरंगाबाद ही तुम्हारी जमीन है, यहीं से लड़ना है, तो औरंगाबाद से लड़ेंगे। बीजेपी के डर से 35 साल से सेक्युलर नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके? देखिए ये एक फैक्ट है कि बीजेपी अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती थी, लेकिन बीजेपी के जैसी घटिया राजनीति मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में पिछले 75 सालों के अंदर किसी ने नहीं किया है।
कि साम दाम दंड हर चीज का इस्तेमाल करके हमको सत्ता में कैसा आने का है दोबारा, ये सब हथकंडे इसके लिए अपनाए जा रहे हैं। और जितने लीडर्स उनके साथ ज्वाइन हुए हैं, जितने लीडर्स, वो पूरे के पूरे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। और मैं खुद नरेंद्र मोदी साहब को समझता था कि ये बहुत दूध का झूले है करके, लेकिन उनका भाषण जब मुझे याद आता है अजीत दादा को लेने से पहले, तो मुझे तो मालूम था कि अजीत दादा है तो सिर्फ है तो सिंचन घोटाले के अंदर। मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला, सिंचन घोटाला, बैंक घोटाला, खनन घोटाला, ये मोदी जी के शब्द है। तब उन्होंने देश को बताया कि ये 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के अंदर ये है। और चार दिन के बाद उनको बोले कि इधर आओ मेरे पास पार्टी के अंदर, आते होंगे तो आ जाओ घर के, ले लिए फौरन उनको। तो ये इतने दूध के धुले हुए वजीर आजम अगर है और वो अगर हमारे को ज्ञान दे रहे हैं और देश को साफ सुथरा और बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त अगर बनाना चाह रहे हैं, तो पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखिएगा आपका वो भाषण जो है। देवेंद्र फडणवीस का भाषण याद है, अजीत दादा हमको ये मिलेंगे, जैसे ही अजीत दादा हमको मिलेंगे हाँ तो हम चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह, ये अजीत इनका देवेंद्र फडणवीस का भाषण। तो ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, इलेक्शन में इनको समझ में आ जाएगा कि इनका हशर क्या होने वाला है। खेरे ने आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बहुत अच्छे मेरे बहुत अच्छे परम मित्र है, बहुत अच्छे इंसान है वो। मैं उनको चाहूंगा कि मेरे साथ में बैठे वो, हम दोनों साथ में बैठे कुछ मीडिया वालों को बुलाएंगे और सामने सामने बात हो जाएगी किसने क्या किया है किसने क्या नहीं किया है करके। भाषणों के अंदर तो मैं तो खैरे साहब से भी अच्छा भाषण दे सकता हूँ, जबान मेरे मुंह में है तो उनसे अच्छी जबान है उसमें, लेकिन ये है कि अगर सच्चाई के ऊपर बात करने का है तो खैरे साहब जगह आपकी, समय आपका, दिन आपका, बैठे एक दिन आ जाए साथ में बैठे, उसके अंदर एक साइड में आप बैठ जाए और दूसरे साइड में वो केंद्र के जो मंत्री है जिन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील ने क्या किया है करके। तो भगवत कराड़ साहब आप और आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंत्रियों को बिठा दीजिएगा साथ के अंदर और हिसाब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसके अंदर, तब बैठते हैं बता दीजिएगा मेरे को। आपकी जगह, आपका दिन और आपका समय। आप मुंबई से लड़ेंगे तो औरंगाबाद से कौन करेगा? बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे पार्टी किसी एक शख्स से नहीं चलती है, उसमें कोई ना कोई तो रहेगा। थैंक यू।